हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका का एक आला सतही वफ पाकिस्तान के दौरे पर है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि भारत के साथ कशीदगी में नुमाया इजाफा हो रहा है। इस सब की तफसीलात आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, शुरू करते हैं व्यू 360। पाकिस्तान पर अमरीकी दबाव, क्या भारत के मौकफ की तायीद है? It is not because of India that President Trump has said this. अमरीकी हुकूमत की सरगर्मियां मुअत्तली के दहाने पर क्यों? We're inching ever closer to the government spending deadline of January 19th. और लाहौर का चाय थाना, जहां चाय मिलती है सलाखों के पीछे। तो हमने एक पुलिस फ्रेंडली किस्म का एनवायरनमेंट दिया है यहां पे, काफी चीजें हैं जो हमारी थीम के अंदर हैं। अमेरिका की एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिस वेल्स ने आज इस्लामाबाद में सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात की है। दूसरी जानब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के तबादले में आज भारतीय दावे के मुताबिक 7 पाकिस्तानी और पाकिस्तानी दावे के मुताबिक 3 भारतीय फौजी हलाक हो गए। इससे पहले भारतीय फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत का यह बयान भी सामने आया कि भारत जौहरी हथियारों से मुतल्लिक पाकिस्तान की कलई खोल देगा, जिस पर इस्लामाबाद ने सख्त तंकीद की। यह सूरतहाल खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को किस तरह मुतासर कर रही है, इस पर हम मजीद तफसीलात लेंगे इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा अयाज गुल से। अयाज गुल, ये बताइएगा सबसे पहले तो कि एलिस वेल्स इस्लामाबाद में है, क्या तफसीलात सामने आई हैं उनके इस दौरे की? जैसे कि आपने तफसीलात, इस वक्त सूरत हाल अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में काफी कशीदा है, लेकिन ये जो दौरा एलिस वेल्स ने किया है और इसमें जो बातचीत हुई है, बज़ाहिर उससे ये लग रहा है कि दोनों मुल्क अब कशीदगी की उस सूरत हाल से एक कदम पीछे हटने की कोशिश में हैं, और शायद ये दोबारा इन कोशिशों को बहाल किया जा रहा है कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ तावुन है उसको किसी तरीके से जारी रखा जाए। तो इस हवाले से ये खासा अहमियत का हामिल है उनका दौरा। और जैसे कि आपको मालूम है कि सेंटकॉम के चीफ ने भी 2-3 रोज कबल पाकिस्तान आर्मी चीफ से टेलीफोन पर मुलाकात करके इसी बात पर जोर दिया है कि दोनों मुल्कों को तावुन आगे बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी जानब जो मशरकी सरहद है पाकिस्तान की, उसके ऊपर आज फिर हमने देखा कि बड़ी शदीद किस्म की तनाव की कैफियत जारी है, क्या वाकयात रोनुमा हुए हैं और क्या तफसीलात सामने अब तक आई, क्योंकि दोनों साइड जो हैं वो दावे कर रही हैं कि कितने फौजी हलाक हुए? जी, वो तो जैसे आपको पता है कि कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल में पिछले 1-1.5 साल से कशीदगी की सूरत हाल है, और वक्फे वक्फे से दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन हो रही हैं और इसमें दर्जनों अफराद दोनों तरफ हलाक भी हो चुके हैं। लेकिन ये जो हालिया वाकया हुआ है ये इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि 2 रोज कबल ही भारत के जो फौज के सरबराह हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि जिससे ये खदशा पैदा हुआ है अब कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो कशीदगी है किसी ऐसी सूरत हाल में अब जा सकती है जहां पे दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर यानी एटमी हथियारों के तबादले की जंग का खतरा पैदा हो गया है। तो इस लिहाज से ये जो वाकया हुआ है, अगरचे भारत कह रहा है कि पाकिस्तान की के 7 फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन यहां पे जो फौजी तर्जुमान हैं उन्होंने 4 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है, और उनके ख्याल में अगर हलाकतों की तादाद ज़्यादा होती तो अगर 4 का इतराफ़ किया जा रहा है तो जाहिर है वो ज्यादा तादाद में अगर हलाकतें होती तो उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ किया जाता, लेकिन बिलाशुबा इस वक्त सूरत हाल खासी कशीदा है खित्ते में। और एलिस वेल्स के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ के, उसमें पाकिस्तान की जानिब से ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इस वाक़े को खास तौर पर उठाया गया है, और भारतीय फौज के जो सरबराह हैं उनके बयान को भी पाकिस्तान ने एक तशवीशनाक बयान करार देते हुए अमरीका से इस हवाले से ये बज़ाहिर नुक्ता उठाया है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात जो हैं वो खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकते हैं। अब देखना यह कि एलिस वेल्स और उनके वफ्त की जानिब से जो आला सतह वफ्त था उसमें एम्बेसडर डेविड हेल भी आज शामिल थे, उनकी तरफ से क्या सामने आता है? अच्छा, दूसरी जानिब जो इन दौरों का फोकस है बड़ी हद तक अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के बारे में इस वक्त यह खबर आई कि वहां पर तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात की एक कोशिश की गई है जो तुर्की ने करवाई है, लेकिन फिर बाद में बड़ी कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं तालिबान की जानिब से भी और अफगान हुकूमत की जानिब से भी, क्या तफसीलात हैं उसकी?
जी, इस वक्त उन मुज़ाकरात की जो इस्तांबुल में हुए हैं कल ही खुल चुकी है, क्योंकि तालिबान ने तो फौरी तौर पर इसकी तरदीद कर दी थी। अब अफगान हुकूमत ने भी इन आखिर जो तालिबान का इल्जाम है कि ये अफगान जो इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS, ये उसका किया धरा है, और उन्होंने कुछ उनके बकौल बेरूपिया जो तालिबान हैं, जैसे माजी में भी इस तरह हो चुका है, उनको लाके मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा के ये तासुर देने की कोशिश की है, क्योंकि अफगान हुकूमत इस वक्त खासी दबाव का शिकार है और अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक वफ्द भी काबुल में मौजूद है। तो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि प्रेसिडेंट गनी की हुकूमत जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से तालिबान के साथ अम मुज़ाकरात को शुरू किया जा सके। लेकिन अब इस लम्हे अगर सूरत हाल को देखा जाए तो ये एक फेक मुज़ाकराती अमल था, जिससे अब दोनों तरफ से इनकार कर किया जा चुका है। क्योंकि ये भी देख चुके हैं कि माजी में अफगान तालिबान का मौकफ यही रहा है कि हम तब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं जाएंगे जब तक यहाँ से अमरीका और दीगर ममालिक की जो अफवाज अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं उनका इनखला नहीं हो जाता। तो ये अपने तौर पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट लग रही थी कि अचानक से साथ में मुज़ाकरात का दौर भी शुरू हो गया है। जी बिलाशुबा, क्योंकि तालिबान अपने इस मौके से पीछे नहीं हटे हैं, और दूसरी बात यह है कि तालिबान ने जो मौजूदा काबुल की हुकूमत है इसको कभी भी तस्लीम नहीं किया है, तो उनका इस तरह मुज़ाकरात में शामिल होना उनकी उन तमाम जो शराइत हैं उनकी नफी होती है। लेकिन एक बात जो मैं जिक्र करना चाह रहा था वो ये है कि आइंदा माह अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में एक बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और अफगान हुकूमत पर यह दबाव है कि वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीस अमन मुज़ाकराती जो अमल है इस हवाले से एक बाज़ाब्ता अपनी कोई तजवीज पेश करे, ताकि खित्ते के मुल्कों को मिलकर इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। तो शायद ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, लेकिन अब चूंकि इसकी कली खुल चुकी है तो लिहाजा अब देखना यह है कि क्या वाकई अफगान हुकूमत तालिबान के साथ कोई मुज़ाकराती अमल शुरू करने में कामयाब हो सकेगी। बिल्कुल कामयाब होती है। जिन्हें अज़गुल इस्लामाबाद से हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। और अक़वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एक वफ़द ने अफगानिस्तान का तीन रोज़ा दौरा मुकम्मल किया है। अफगान क़यादत का कहना है कि वफ़द को खित्ते में दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों के बारे में मालूमात दी गई और अराकीन को दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान पर दबाव जारी रखने के लिए भी कहा गया। पाकिस्तान पर दहशत गर्दों की पुष्तपनाही का इल्ज़ाम अमरीका और अफगानिस्तान के साथ साथ भारत भी आयद करता है। पाकिस्तान इन इल्ज़ाम की तरदीद तो करता आया है, लेकिन वाशिंगटन की जानिब से अब इस्लामाबाद के खिलाफ सख्त इकदाम को नई दिल्ली में कैसे देखा जा रहा है, आइए जानते हैं कुछ भारतीय सियासतदानों और मुबसरीन से। It is not because of India that President Trump has said this. ऐसा सदर ट्रंप ने भारत की वजह से नहीं कहा, बल्कि इसकी वजह अफगानिस्तान और दुनिया के उस हिस्से में अमेरिका के खुद अपने मफादात और दहशतगर्दी के बारे में सदर ट्रंप का रवैया है, जो पिछली इंतजामिया के बरक्स कहीं ज्यादा वाजे है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमारा कोई कमाल है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारी पाकिस्तान पॉलिसी कहीं नहीं जा रही। डोनाल्ड ट्रंप्स एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम पर जब भी अमल होगा ये यकीनन पाकिस्तान को चीन की तरफ मजीद धकेलने का बायस बनेंगे। इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं। आप पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर देख ही रहे हैं, जिस पर वो अगले 50 सालों में 50 अरब डॉलर से जायद खर्च करेंगे। इससे पाकिस्तानी मईशत को नई जिंदगी मिलेगी। अमरीकी सदारत और खारजा पॉलिसी का मरकज अफगानिस्तान है, भारत नहीं। अमेरिका के अफगानिस्तान में गहरे मफादात हैं। वो ये यकीनी बनाना चाहता है कि अफगान एस्टेब्लिशमेंट हक्कानी नेटवर्क और उसके हमलों का शिकार ना होती रहे। मेरे ख्याल में यही सिग्नल है जो अमेरिका पाकिस्तान को देना चाहता है। जहां तक कि अमेरिका है वो ये चाहता है, वो एक विश्व शक्ति है, वो ये चाहता है कि हाँ जरूर अफगानिस्तान में स्थिरता है, पर साथ साथ वो ये भी चाहता है कि पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है, जो जिसके पास एटमी हथियार हैं, उसके साथ वो एंगेजमेंट रखे ताकि वो एक उत्तर कोरिया जैसा ना मुल्क ना बन जाए। Americans are determined to take action. ये सिर्फ बातें नहीं हैं। अमेरिकी फैसला कुन इकदाम करने के लिए पुरअज़्म है। अगर वो सिर्फ हक्कानी नेटवर्क को भी निशाना बनाते हैं तो भी, और जाहिर है कि भारतीय जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हैं, जिसने या लश्कर ए तैयबा ने मुंबई हमले किए, लेकिन इसका कोई बराह रास्त या बिलवास्ता असर जरूर होगा। इसराइल और भारत के दरमियान भी आज नई दिल्ली में दिफा, तवानाई और फिल्म इंडस्ट्री समेत मुतअद्दिद शोबों में तआवुन के 9 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू 130 कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल वफ्द के साथ भारत के दौरे पर हैं, जो कि भारत जाने वाला सबसे बड़ा इसराइली वफ्द है।
यरूशलम को इसराइल का दारुलहुकूमत करार देने के अमरीकी फैसले के खिलाफ अक्वामे मुत्तहिदा में पेश की जाने वाली करार की भारत की जानिब से हिमायत के बारे में इसराइली वजीर आजम ने कहा कि इससे उन्हें मायूसी हुई, तहम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस मौके पर इसराइल की मुखालफत और फिलिस्तीनी अवाम के हक में मुजाहरे भी किए गए। और अब कुछ बात अमरीका की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पसमानदा और ज्यादातर स्याह फाम आबादी पर मुश्तमिल ममालिक के बारे में मुबैना तौर पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की खबर सामने आने के बाद अमरीका में इमिग्रेशन के निजाम में इस्लाहात की कोशिशों को एक धचका लगा है। नदीम याकूब इस वक्त हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नदीम, क्या कहना है सदर ट्रंप का? स्याफाम आबादियों वाले ममालिक के बारे में सर ट्रंप के जो रिपोर्टेड अल्फाज हैं उसके बाद यहाँ एक बहस चल पड़ी है कि आया सर ट्रंप जो हैं वो नस्ल परस्त हैं या नहीं। खुद सर ट्रंप का कहना है कि ऐसा नहीं है, वो नस्ल परस्त नहीं है, लेकिन उनके बयान के बाद जो दोनों पार्टियों की जानिब से एक गैर जानिबदार मुआहदे की कोशिश की जा रही थी उसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। इस मुआहदे में या ये जो मुजवजा बिल था उसमें जो सर ट्रंप का प्लान है मैक्सिको की सरहद के साथ दीवार बनाने का, उसकी फंडिंग और उसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी बुनियादी फंडिंग के लिए जो उसमें मसाइल हैं, मामलात हैं, वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन अब ये इम्कान पैदा हो गया है कि शायद इस हवाले से कोई मुस्बत कदम ना आगे बढ़ सके। इस हवाले से जो ये पूरा तनाज़ा है, ये क्या मामला है, इस बारे में मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सेनेट में कम उम्री में अमरीका लाए जाने वाले उन लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन की हालत ज़ार के बारे में उस वक़्त कुछ उम्मीद पैदा हुई जब एक गैर जानिबदार बिल के लिए मुआहदे पर काम शुरू हुआ। डाका की मंजूरी के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी के इकदामात पर मिलाकर एक मुआहदा मुमकिन है। मगर चंद घंटों बाद ये इतलात सामने आई के सदर ट्रंप ने हेटी जैसे मुमालिक से तारकीन वतन को मुस्तरद करते हुए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर डिक डर्बन, मैंने सुना उन्होंने क्या कहा। सदर ने न सिर्फ एक बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किया बल्कि एक से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल किया। इस रद्द अमल पर सदर ट्रंप ने ट्विटर के जरिए तर्दीद की कि उन्होंने ऐसे हकारत आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मुझे इस पर अफसोस हुआ, मुझे रोना आया, मेरा ख्याल है वो नस्ल परस्त है। गुज़श्ता साल सदर ट्रंप ने बचपन में गैर कानूनी तौर पर अमरीका लाए गए तारकीन वतन को मुल्क बदरी से आरजी इस्तस्ना देने वाले कानून डाका या डिफर्ड एक्शन चाइल्डहुड अराइवल्स को खत्म करने का ऐलान किया था, मगर पिछले हफ्ते एक अदालत ने इस हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया था। तहम इसके मुस्तकिल हल के लिए कानून साजों की कोशिशें जारी हैं। ज्यादातर रिपब्लिकन ऐसे मुआहदे के हक में हैं जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के सख्त इकदाम हों। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स डाका के मसले को हल करना चाहते हैं, मगर हम ये भी नहीं चाहते कि हम 5 बरस के बाद फिर उसी मसले पर बात कर रहे हों, तो हमें अपनी सरहदों को महफूज करना होगा। अब सदर किसी मुआहदे के बारे में शकूक और शुबहात का इजहार करते हुए डेमोक्रेट्स पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने मौका खो दिया। बहुत से डेमोक्रेट्स डाका से मुतालिक कानून साजी को हुकूमत की बुनियादी जरूरतों के लिए फंड्स की फ्राहमी से मुंसलिक कर रहे हैं। किसी इत्तफाक राय पर ना पहुंचने का मतलब अमरीकी हुकूमत के मामला चलाने के लिए फंडिंग की मंजूरी ना होना भी हो सकता है। ऐसा होने की सूरत में इस हफ्ते के आखिर तक वफाकी हुकूमत को शट डाउन का सामना है। तहम कुछ कानून साजों का ख्याल है कि एक गैर जानिबदार मुआहदा मुमकिन है। इससे पहले भी ये हो चुका है कि सर ट्रंप के बारे में कि उन्होंने एक बात कही और फिर वो बाद में उसे रद्द करते हैं। अब गुज़श्ता रोज़ ही अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट ने सदर के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने कहा कि मेरे जो शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये बात वॉल स्ट्रीट का कहना है कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही, लेकिन सर ट्रंप ने ट्वीट के जरिए एक पैगाम में कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। जी सर, और जो फंडिंग है यूएस गवर्नमेंट के सरगर्मियों के लिए वो 19 तारीख को खत्म हो जाएगी और उससे पहले पहले किसी किस्म का डील कांग्रेस में होना बहुत जरूरी है। नदीम याकूब, थैंक यू फॉर दीज अपडेट्स। थैंक यू। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरें जानने के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduwire.com पर लॉग इन कर सकते हैं।
جہاں سائنس، تعلیم اور صحت جیسے موضوعات پر بھی آپ کے لیے دلچسپ معلومات موجود ہیں، اور دنیا بھر سے بہت سی منفرد ویڈیوز بھی آپ اس ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ امریکہ میں نشے کی وبا بڑے پیمانے پر جانے لے رہی ہے، اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مصروف ایک سیاستدان سے آپ کو ملوائیں گے پروگرام میں آگے چل کر، اور پھر آپ کو لے جائیں گے لاہور کے ایک انوکھے چائے خانے میں بھی۔ لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں کیا ہو رہا ہے آج کے ورلڈ ویو میں۔ عراقی وزارت صحت کے مطابق آج مرکزی بغداد میں دو خودکش بم حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 63 زخمی ہو گئے ہیں۔ عراقی دارالحکومت کے انتہائی مصروف علاقے میں ہونے والا یہ بم دھماکہ 3 دنوں میں دوسرا خودکش بم حملہ ہے۔ پیر کے روز جکارتا سٹاک ایکسچینج کی عمارت کی درمیانی منزل گرنے سے کم از کم 75 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں زیادہ تر طالب علم تھے جو اسٹڈی ٹور کے لیے عمارت میں موجود تھے۔ انڈونیشیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بم دھماکہ نہیں تھا۔ میانمار کی حکومت کے مطابق وہ ان اندازن 30,000 روہنگیا مسلمانوں کے عارضی قیام کے لیے ایک کیمپ تعمیر کر رہی ہے، جنہیں بنگلہ دیش سے واپس لا کر آباد کیا جائے گا، جبکہ آج بنگلہ دیش اور میانمار کے اہلکاروں کے درمیان روہنگیا مہاجرین کی دوبارہ آبادکاری کے منصوبے کی تفصیلات پر ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا میں ایک بڑی ہائی وے کے نزدیک ہزاروں کی تعداد میں مرغیوں کو لے جانے والا ایک بڑا ٹرک الٹ گیا۔ اس حادثے میں زیادہ تر مرغیاں بچ گئی اور ڈرائیور کو معمولی چوٹیں آئیں۔ حادثے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان، ایجوکیشن یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکہ میں 50 سال سے کم عمر افراد کی موت کی سب سے بڑی وجہ افیون ملی پین کلرز اور منشیات کا استعمال بن چکا ہے۔ سال 2016 کے دوران اس کے باعث جہاں 64,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ آئیے ملتے ہیں ریاست ورجینیا کے ایک رکن اسمبلی سے جو اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں ووٹوں کی نہیں بلکہ اپنے خاندان کی خاطر۔ ورجینیا کے ریاستی نمائندے جان بیل اپنے علاقے میں خواتین کے حقوق اور صحت کی سستی سہولیات کی فراہمی کے لیے سخت محنت کرتے رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے اوپیائیڈ کے نشے کی روک تھام ان کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ یہ تب سے ہوا جب انہیں پتا چلا کہ ان کا اپنا بیٹا اس نشے کی عادت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ 7 سال پہلے اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی گردن پر چوٹ لگی۔ جب وہ ایمرجنسی روم سے باہر آیا تو اسے ڈاکٹر نے 90 دنوں کے لیے مسکن ادویات تجویز کر رکھی تھی۔ اس نسخے سے وہ 5 مرتبہ یہ ادویات مزید حاصل کر سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں اس رات گھر آیا اور میں نے یہ دوائی لی تو مجھے ایسا احساس ہوا جیسے پہلی بار محبت ہونے پر ہوتا ہے۔ پہلے 90 روز کی دوا ختم ہونے تک وہ اس کے نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ جوش کی مسکن ادویات کے نشے کی عادت نے اسے جلد ہی ہیروئن کا عادی بنا دیا۔ جب اس کی عادت قابو سے باہر ہو گئی تو اس نے درد کو کنٹرول کرنے والے کلینک سے مدد حاصل کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چونکہ جوش مغربی ریاست ٹیکساس میں رہتا تھا، اس کا خاندان نہیں جانتا تھا کہ جوش کس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ جیسے ہی میرے والد کو پتا چلا تو وہ فوراً جہاز پر سوار ہوئے اور ٹیکساس پہنچ گئے، اور وہاں سے ہی میری بحالی کا عمل شروع ہوا۔ جب میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ پہلی بات جو میں نے اسے کہی کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ نشے سے بحالی کے لیے خاندان کا ساتھ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ منشیات یا کسی بھی قسم کا نشہ عام طور پر خاندانی بیماری کہلاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک اصطلاح ہے، کیونکہ اس تکلیف کو صرف نشہ کرنے والا شخص ہی نہیں بلکہ پورا خاندان سہتا ہے۔ ریاستی اسمبلی کا رکن ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے تجربے اور عہدے کو
تبدیلی لانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے ایمرجنسی رومز میں آنے والے مریضوں کو تجویز کی جانے والی مسکن ادویات کی تعداد کے حد مقرر کر دی۔ جان بیل حال ہی میں علاقے کے نمائندے کے طور پر دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، جہاں وہ مسکن ادویات کے نشے کی روک تھام پر کام جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں کوئی غیر معمولی انسان نہیں، میں صرف وہ شخص ہوں جس کا بیٹا نشے کا عادی ہے، اور یہاں میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں۔ ہم اس کہانی کو جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی اس کا شعور بڑھے گا۔ جوش نوما سے نشے سے پاک ہے اور اپنے تجربے سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی کسی شخص کی بحالی مکمل ہو، وہیں سے دوسرے شخص کی بحالی کا عمل شروع کیا جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنا بھیانک وقت تھا اور اس جھوٹ سے باہر نکل کر جینا کتنا حسین ہے۔ جولی ٹیبو کے ساتھ وردہ خلیل، اردو وی او اے۔ آئیڈیا جتنا منفرد ہوگا کاروبار اتنا ہی چلے گا۔ لاہور میں ان دنوں ایک ایسا کیفے مقبول ہو رہا ہے جو پولیس تھانے کے تھیم پر بنایا گیا ہے، تو سلاخوں کے اندر خطرناک ماحول میں لوگ کس طرح کھانے کا مزہ اٹھا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس ہفتے کے میڈ ان پاکستان میں۔ تھانہ تھیم بیسڈ ہم نے ریسٹورنٹ کھولے لاہور میں، اور کس کی اسپیشلٹی چاہیے، ہم نے اندر سے جو سارا انٹیریئر ہے وہ تھانہ بیس رکھا ہے۔ ہماری رپورٹ جو مینیو ہے ویسے پرچے کے طور پہ جاتے ہیں۔ چکن پراٹھا، پیزا پراٹھا، نیوٹیلا پراٹھا۔ کھانے کے بعد جو ہمارا بل جاتا ہے وہ ایف آئی آر کی صورت میں جاتا ہے، فوڈ انویسٹیگیشن رپورٹ۔ ہمارے جو ویٹرز ہیں اور جو سارے اندر شیف وغیرہ ہیں، ان کے کاسٹیومز ہیں وہ قیدیوں والے ہیں۔ لوگوں کا پولیس سے کافی زیادہ نا ڈسٹینس ہوتا ہے، بڑا نگیٹو قسم کا امپریشن ہے پولیس کا ہماری عوام پہ، لیکن ایسا اصل میں نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک پولیس فرینڈلی قسم کا انوائرمنٹ دیا ہے یہاں پہ۔ کافی چیزیں جو ہماری تھیم کے اندر ہیں وہ اصل تھانے سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ ہم نے انٹیریئر ہمارے بہت بڑے سامان اس طرح خاردہ تارے سے کہتے ہیں جو آؤٹر ایریا میں لگی ہوتی ہیں، ساتھ ہم نے پولیس کی لائٹس جو ہیں، جو ریڈ لائٹ جس کو خطرے کرنے سے وہ علامت ہوتی ہے، وہ ہم نے اندر لگائی ہے۔ یہاں پہ ایک وال ہے ہماری فیچرڈ وال، اس پہ ہم نے جو ہے ورلڈز موسٹ وانٹیڈ جو کرمینلز ہیں ان کی پکچرز بھی لگائی ہے، سو ڈیٹ کہ ایک وہ ایک امیج ہو کہ وانٹیڈ کی بھی ایک وہ کانسیپٹ ہوتا ہے، وانٹیڈ لسٹ ہوتی ہے ہر پولیس اسٹیشن میں، ہر تھانے میں۔ ایٹموسفیئر جون سا ہے وہ جس لائک ہے جیسے جیل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بائی لاک ڈاپ بھی ہے، جب بھی جن کے کوئی چیز وغیرہ ہم نے آڈر کرنی ہوتی ہے تو جب ویٹر جاتا ہے تو وہ باہر سے لاک ڈاپ کر دیتا ہے، اینڈ فیل لائک کہ ہم یہاں پہ قید ہو چکے ہوئے ہیں۔ تھانے وغیرہ وہاں پہ ذرا توازن کسی اور طریقے سے کی جاتی ہے، یہاں پہ ذرا کھانا پینا ہے اور ساتھ میں چائے بھی ہے اور گیٹ ٹو گیدرنگ بھی ہوتی ہے۔ ہم جو دوست ہیں وہ ڈیلی کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ چیز کافی ڈفرینٹ ہے، پر یہ پبلک کو اٹریکٹ بھی کرتی ہیں اور انٹرٹین بھی کرتی ہیں۔ ہم لوگ روز شام کو پڑھائی کے اسٹریس کی وجہ سے شام کو جاتے تھے، باہر بیٹھ کے چائے کافی وغیرہ پیتے تھے، تو پھر ہمیں ایک دن آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم اپنا کچھ اسٹارٹ کریں۔ ہم تین لوگ ہیں بیسکلی، ہم تینوں انجینئرز ہیں، مارننگ ٹائم پہ ہم تینوں اپنی فیلڈ ریلیٹڈ جاب کر رہے ہیں، اور ایوننگ میں ہمیں ایک شوق تھا ایک ماڈرنائز ڈھابا کہہ لیں کیفے، یہ وہ ہے نہ یہ زیادہ لوکل تھانے سے میچ ہوتا ہے نہ یہ زیادہ ویسٹرن تھانے سے میچ ہوتا ہے۔ چائے تھانہ کا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پروگرام میں شامل ہر رپورٹ ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی آپ کے لیے پوسٹ کرتے ہیں، تو آپ انہیں دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسروں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ ہم سے رابطے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/voaurdu۔ سارے زمان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے، خدا حافظ۔